जब मैंने मदरहुड की तरफ कदम रखा तो उसके बाद मैं दोबारा से मैं क्रिकेट ज्वाइन करना चाहती थी। She's been a strong pillar to me. मम्मी का अभी ऐसा है कि मतलब मैंने जो नहीं किया ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे ना कर पाए। कहीं ना कहीं मेरे उतार चढ़ाव में मेरी मम्मा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। She was always eager, not only for cricket, for anything which new. She's been a strong pillar to me. She's been the a constant in my life, where she supported me when things went well and when things didn't go well. She's always there. लेकिन एक टाइम पे मुझे लग रहा था कि मदरहुड भी काफी जरूरी है. तो जब मैंने मदरहुड की तरफ कदम रखा तो उसके बाद मैं दोबारा से मैं क्रिकेट ज्वाइन करना चाहती थी, दोबारा से मैं कमबैक करना चाहती थी. बस वही पैशन था कि जो मुझे उस तरफ लेके गया. फातिमा के बाद पेरेंटल पॉलिसी का आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब मैं जा रही थी लीव पे तो बस एक चीज़ का गिल्ट था कि यार इस टाइम पे अभी टीम को ज़रूरत थी. लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ जिसने मुझे ड्राइव किया हुआ था कि यार मैंने इस टीम के लिए मैंने वापस आना है. व्हेनेवर आई हैड अ कन्वर्सेशन विद हिम विद हर शी इज़ ऑलवेज बीन लाइक इट्स ओके, यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड अ लॉट इन योर लाइफ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, सो यू डोंट रियली हैव टू यू नो वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट एंजॉय एंड प्ले एज मच एज यू वांट टू प्ले. मम्मी का मतलब बचपन में बहुत मतलब बहुत जल्दी, पहले तो बहुत जल्दी शादी हो जाता था, तो उनका भी एक सपना था कि अच्छे से पढ़े हुए मतलब ये सब करना, तो मम्मी का जो सपना था वो नहीं कर पाए. तो मम्मी का अभी ऐसा है कि मतलब मैंने जो नहीं किया ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे ना कर पाए. उनका सपने से उनको दूर नहीं रखना चाहिए, उनको खेलना है तो ठीक है खेलने पे दो, मतलब उनको मतलब उनका अभी तक भी मेरे पास इतना सपोर्ट है कि मैं अगर मतलब कभी हमारा परफॉर्मेंस नहीं चलता है, कभी एकदम फ्लॉप होता है क्या होता है, मम्मी का रहता है कि मम्मी को क्रिकेट बिल्कुल नहीं आता, उनको कुछ नहीं आता, फिर भी वो बोलते हैं कुछ नहीं आज नहीं बना तो क्या हुआ कल बन जाएगा. दोनों लेडीज ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. कहीं ना कहीं मेरे उतार चढ़ाव में मेरी मम्मा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है. जब स्टार्टिंग डेज में जब मैं इंडिया टीम में खेल रही थी, बहुत सारे टूर ऐसे थे कि बस मुझे एक चांस मिलता था और मैं परफॉर्म करती थी, क्योंकि और सारे मैचेस में बाहर बैठती थी, लेकिन लास्ट मैच मिलता था और उसमें ऐसा था कि नहीं पूनम परफॉर्म करना पड़ेगा नहीं तो अगले टूर में बाहर. तो कहीं ना कहीं मेरी मम्मा और मेरे बहन ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, और उनकी वजह से उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से मैं इंडिया खेल रही हूँ, और जो भी कुछ मैं हूँ आज वो मैं अपनी मम्मी और अपने फैमिली की वजह से हूँ. मेरे को कुछ पता ही नहीं था क्रिकेट का भी, तो मेरे डैड ने पूरा सपोर्ट किया था, मेरे मॉम ने भी पूरा सपोर्ट किया था. मतलब अगर डैड कभी बिजी रहते हैं तो मॉम कम्स एंड हेल्प मी, ऐसे बोल मैं कभी कभी बोलती ना मम्मी आप कभी मदद नहीं करते, तो मॉम दैट टाइम से मॉम चालू हो गई कि हाथ चला भी प्रैक्टिस करते हैं, तेरे डैड बिजी है तो तू आ जा मेरे साथ प्रैक्टिस करने. सो बोथ आर वेरी सपोर्टिव.